चाचा चौधरी और साइंसदान बकीज। साइंसदान बकीज, जमट, मैंने जल्दी पैसा कमाने का एक रास्ता खोज निकाला है। कैसे बकीज? मैंने यह मशीन इजाद की है। जब कोई राहगीर सड़क पर आता है तो इसके एरियल में आवाज होती है। मैं एकदम बटन दबा दूंगा और बाहर धुआं निकलेगा, जिससे राहगीर बेहोश हो जाएगा। बकीज, आवाज हो रही है, मैं बटन दबाता हूँ। बाहर सड़क पर ये सारा पैसा बैंक में जमा कराना है, तभी बिल्डिंग से धुआं निकलता है और उस आदमी को घेर लेता है। ओह, वो आदमी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। वह बेहोश हो गया, ये तरकीब बड़ी अच्छी है। कुछ देर बाद मेरा बैग कहाँ गया? जाकर पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए। इधर मकान के अंदर, बकीज, लो नोटों से भरा हुआ बैग। वाह, दो चार को और लूट लें, फिर हम शहर छोड़कर कहीं गायब हो जाएंगे। तभी कोई और आ रहा है बाहर सड़क पर। चाचा जी, आप बहुत पीछे रह गए। साबू, नया जूता काट रहा है, इसलिए जल्दी चल नहीं पा रहा। तभी बिल्डिंग में से गहरा धुआं निकलकर साबू को घेर लेता है। इस मोहल्ले के लोग कैसे हैं, जिनकी अंगीठियां इतना धुआं छोड़ती है? अरे, इस पर तो धुएं का असर नहीं हुआ। साइंसदान बकीज, अगर ये धुएं से बेहोश नहीं हुआ तो मैं इसे लाठी से बेहोश करता हूँ। अबे क्या करता है? वह लाठी का वार साबू के सिर पर कर देता है। हाय, ये तो गलत काम से। साबू उसे मुट्ठी में जकड़ लेता है। कहो, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? इधर वो आदमी और पुलिस इंस्पेक्टर, बताओ वारदात कहाँ पर हुई? इंस्पेक्टर साहब, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, ये रहा मुजरिम। आए,